नमस्कार, मैं दिव्यांशी मोहित्रा। राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। अशोक गहलोत जहां कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, तो वहीं सचिन पायलट कुर्सी से कम में मानने को तैयार नहीं दिख रहे। पायलट की बगावत में उलझी कांग्रेस, इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही। तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना भी बीजेपी पर भड़ास निकाल रही। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राजस्थान के सियासी संकट पर लंबा चौड़ा संपादकीय लेख लिखकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सामना के संपादकीय में लिखा गया है, एक ओर जहां देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अलग ही उपद्रव मचाया हुआ है। इस दौरान भाजपा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराई। अपनी जीप पर लगे खून के पचने के पहले ही राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराकर डकार लेने की स्थिति में भाजपा दिख रही, लेकिन ये संभव नहीं लगता। संपादकीय में सचिन पायलट को समझाने के अंदाज में लिखा गया है, पायलट की महत्वाकांक्षा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की। फिलहाल वे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वे युवा हैं और भविष्य में उनके लिए मौका है, लेकिन गहलोत द्वेष के कारण वे भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में ही एक बड़ी लड़ाई लड़कर मुख्यमंत्री पद हासिल करना चाहते हैं। ये कदम उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। सीएम गहलोत की तरफदारी करते हुए संपादकीय में लिखा गया है, मोदी और शाह द्वारा एक विशाल यंत्रणा लागू करने और एक तूफान खड़ा करने के बावजूद भाजपा को राजस्थान में सत्ता नहीं मिली। लोग कांग्रेस की तरफ थे। बेशक पायलट ने इस जीत के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन जब आज पार्टी मुश्किल में है तो उन्हें नाव से कूदकर भागने वाले चूहे की तरह का काम करके खुद को कलंकित नहीं करना चाहिए। सामना में लिखा गया है कि पायलट का अहंकार और व्यक्ति द्वेष राजस्थान जैसे राज्य को अस्थिर कर रहा है, लेकिन पायलट को केंद्रीय सत्ता का साथ मिले बिना ये सब संभव नहीं। केंद्र सरकार विपक्षी सरकार को अस्थिर करने के सूत्र पर काम कर रही। देश में भाजपा की पूरी सत्ता है, कुछ घरों को उन्हें विरोधियों के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी में लोकतंत्र की शान है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, लेकिन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता में आ गई। अब जिस तरह से डिप्टी सीएम सचिन पायलट सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत पर उतर आए, उससे माना जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर सत्ता में लौट सकती है। 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान असेंबली में बीजेपी के पास 72 विधायक हैं, जबकि सीएम गहलोत ने सोमवार को ही 107 विधायकों की परेड कराई। हालांकि पायलट खेमा भी दावा कर रहा है कि उसके पास 16 विधायक हैं और राजस्थान सरकार अल्पमत में। हालांकि सरकार गिरेगी या नहीं अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गहलोत सरकार का भविष्य विधानसभा में ही तय होगा।